मैं माजी सैनिक सुरेश मुंडे, गाँव दिंद्रुड, तहसील माजलगाव, जिल्हा बीड, महाराष्ट्र, सहपरिवार इच्छा मृत्यु मांगता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज ये वीडियो एक छोटी सी इनकी झलक दिखाता हूँ कि कैसे एक फौजी जो अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा रहा है, आज इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं राष्ट्रपति जी से, अपील कर रहे हैं कि कोई इनकी मदद कर दे। वरना ये वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, एक छोटी सी झलक, 5 मिनट का इनका वीडियो है। मैं आपको पूरा वीडियो बाद में दिखाऊंगा, पहले ये छोटी सी झलक देखें और मैं कहता हूँ इसको पूरा जरूर देखें और शेयर जरूर करें। आपके अगर इंसानियत जिंदा है, आप अगर इस वर्दी से प्यार करते हैं, आपको लगता है कि फौजी एक ईमानदार है और उसकी मदद होनी चाहिए, तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। ये साजिश सामने आई है सर, मेरा परिवार जिंदा लाश बन गया है। मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूँ। हर दिन मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे न्याय मिलने की उम्मीद बाकी नहीं बची, और इन गुंडों के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही आपसे मौत की इजाज़त मांगू, और हर दिन मरने से अच्छा एक ही बार परिवार के साथ मरूं, क्योंकि मेरा बच्चा अपंग है और मेरे बाद वो कैसा बचेगा, वो कैसा रहेगा, कैसा जिएगा। मैं आपसे मौत की भीख मांगता हूँ। जिन फौजी भाइयों ने मेरे परिवार को न्याय देने के लिए मदद की है और कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू, उनके बच्चों की आंखों में, उनकी वाइफ की आंखों में, मेरे खुद के आंखों में आंसू टपक पड़े ये वीडियो सुनते सुनते। रात को मुझे रविंद्र भाई का फोन किसी ने भेजा है, शायद भगवान ही उनके रूप में मेरे मदद के लिए आए हो। हे ऊपर वाले, तू भगवान बनके रविंद्र के रूप में मेरे परिवार की मदद कर, नहीं तो तेरे ऊपर का विश्वास टूट जाएगा, कोई तुझे भगवान नहीं कहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज एक वीडियो आया है महाराष्ट्र से। हमारे एक सैनिक, पूर्व सैनिक, जिनको वहां की पुलिस प्रशासन, वहां के कुछ दबंग गुंडे, राजनीतिक, वहां के लोकल एमएलए वगैरह के दबाव पर मिलकर उनको इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर रहे हैं कि आज उन्होंने मजबूरी में राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। वीडियो में वो, उनकी वाइफ और उनका एक बच्चा है जो कि अपंग है, जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और लास्ट में जब उन्होंने ये कहा कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा ये अपंग बच्चा, रोज रोज के टॉर्चर से हम तंग आ चुके हैं और आज हमारी इच्छा है कि रोज रोज मरने से अच्छा हम मर जाए। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कुछ फौजी हमारे जो संगठन बने हुए हैं महाराष्ट्र में, और भी बहुत से लोगों ने उनकी मदद भी की है। इस वीडियो में उन सबका धन्यवाद भी दिया है, और धन्यवाद देने के बाद में जब इन्होंने कहा कि अब कहीं से कोई उम्मीद नहीं बची है, तो कल इनको किसी ने मेरा नाम भी बताया कि भाई आप रविंद्र फौजी से मदद लो, तो इन्होंने आंसू डालकर कहा कि अब या तो राष्ट्रपति जी इच्छा मृत्यु दे दो या रविंद्र फौजी जी आप मेरी जिंदगी बचा लो। जब इनकी आंखों में आंसू देखे और वो बच्चे की, अपंग की आंखों में आंसू, इनकी वाइफ की आंखों में आंसू, तो मेरी खुद की आंखें नम हो गई और मेरे खुद के आंसू टपक पड़े। मैं कहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका पत्थर दिल भी पसीजेगा और आपकी आंखों में भी आंसू होंगे। ये मदद रविंद्र फौजी कोई अकेला तोप नहीं है कि जाके महाराष्ट्र में इनकी मदद कर दे, ये आप सब जो 5,29,000 जवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका फर्ज है कि ये आप सबकी मदद, आप सबसे मदद मांग रहे हैं और आप सब इनकी मदद करें। लॉकडाउन है, हम ये नहीं कह रहे कि वहां चल के आप बंदूक लेके जाओ या लठ लेकर वहां चले जाओ, लेकिन इस आवाज को शेयर कर दो। जो सोई हुई बैरी सरकार है, रक्षा मंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी,
गृह मंत्री जी अमित शाह जी, महाराष्ट्र का एक मामला कुछ दिन पहले आया था अधिकारी का, उनके साथ मारपीट हुई थी, वो हुआ था तो रक्षा मंत्री जी ने दखलअंदाज दिया था कि कैसे जवानों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है वहां की पुलिस और हम उनकी मदद करेंगे। आज सिर्फ क्या अधिकारियों पर ही कहीं इस तरह का टॉर्चर होगा तो आप मदद करेंगे? क्या जवानों के साथ इस तरह की, जवान का परिवार और जवान आज मरने की कगार पर है? क्यों नहीं, इन्होंने रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा है, क्यों नहीं रक्षा मंत्री जी ने किसी टीवी में बयान देकर इनकी मदद की? क्या बहरे हो चुके बंगाल चुनाव में? आप चुनाव में इतने पागल हो चुके कि आपने कोरोना को तो बुला ही दिया, सब कुछ बुलाकर सिर्फ बंगाल में लग गए हो सारे कि किसी भी तरह बंगाल को जीते, वो आपका मैटर है, भगवान करे कि आपकी जीत हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन उस जीत में इतना नहीं भूलो कि आपके एक सैनिक जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, कम से कम वो आपकी मदद की गुहार कर रहा है, उसकी मदद करें। हमारे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, अरे पहले के अधिकारी अगर उनसे काम भी लेते थे, सारा टॉर्चर सब कुछ करवाते थे तो कम से कम वेलफेयर देते थे, लेकिन आज के पता नहीं कौन से खानदान के कई गुजरे लोग आ रखे हैं जो सिर्फ जवानों का शोषण करना जानते हैं, उनसे सहायकी करवा लेंगे, उनसे कुत्ता घुमा रहे हैं, आज भी अपनी मैडम का पल्लू पकड़कर चलवा रहे हैं, कच्चे बने अंतर दुलवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन इनकी नानी मर जाती है, इनकी सब कुछ काम मतलब लुटपिट जाता है जब एक जवान मदद मांगता है तो हमारे बस की नहीं है। क्यों नहीं सारे जो बैठे बैठे संगठन, हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं, बार बार मैं इसीलिए आपसे विनती करता हूं कि इस चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ो ताकि हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। अगर हमारे हर जगह आदमी हो तो वहां जाकर उस प्रशासन को, उस पुलिस को और वहां के गुंडे बदमाशों की हम खुद बजा सकते हैं। अरे हम कमजोर हैं क्या? अपने जब वर्दी पहनते हैं हम, जब हम रक्षा के लिए दुश्मन पर गोली चला सकते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं, तो हमारे साथी के लिए नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं हम, लेकिन हम टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, अलग अलग संगठन जाओगे तो ऐसे तोड़ दिए जाओगे, जिस दिन मजबूत होकर जाओगे उनका मुंह तोड़ सकते हैं, एमपी एमएलए का भी और वहां के गुंडे बदमाशों का भी, और पुलिस की भी छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन एक होंगे तो और मजबूत संख्या में होंगे तो। तभी बार बार कहता हूं इस चैनल से जुड़ो और साथियों को जोड़ो, जिस दिन हम 50,000 लाख की तरफ होंगे क्यों छुट्टी कर देंगे इन लोगों की। जहां भी संगठन बना रखा है किसी कर्नल को, जनरल को, उनको बैठाते हो, वोट की बारी आती है तो भी उन्हीं को देते हो, उन पर सिर पर बैठाओ और वो आपके सिर पर मुँहते रहेंगे, वो सेना में भी आपका शोषण कर रहे हैं, सिविल में भी कर रहे हैं। जब हम आवाज उठाते हैं तो कुछ तो वहां उनके चमचे थे, वो सिविल में भी सिर्फ उन्हीं की चमचागिरी, उनके पकड़ कर इस तरह खड़े हैं कि बस ये तो भगवान है, कहां मर गया वो भगवान। शर्म आती है ऐसे उनको भगवान बनाकर बैठा रखा है अपना। उनका कोई अफसर जैसे नोएडा में हुआ था, वहां हुआ था, सारे ट्विटर पर हर जगह ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, आज एक सवाल, क्योंकि वो जवान है, उसका परिवार है, वो मर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन साला कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। गूंगे बहरे हो गए क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको अगर देश की इस वर्दी से प्यार है, हमारी सिविल जनता भी, इससे भी कहना चाहता हूं, इस वर्दी की मैं आपको, इस जवान की वीडियो की शेयर करने की भीख मांगता हूं कि ये वीडियो कम से कम शेयर होकर अंदीसर बैरी बैठी सरकार और राष्ट्रपति जी को पहुंचा दें, राष्ट्रपति जी तक, ताकि इनकी मदद करें, एक देश का रक्षक अपनी जान को ऐसे ही नहीं गंवा दे, आत्महत्या सुसाइड या ऐसा कदम नहीं उठा ले और फिर पछताओगे आप। और जिस तरह जब आप उम्मीद लगाते हो इस तरह की, महाराष्ट्र में भी रविंद्र फौजी चले जाए, गुजरात में भी चला जाए, बिहार में भी चला जाए, यूपी में भी चला जाए, तो जब बारी आती है इस सहयोग की, आज फिर मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 8295345413, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, फोन पे गूगल पे सबसे जुड़ा हुआ है, और ऊपर ये मेरा अकाउंट नंबर 612-642-33-600, ये बार बार इसीलिए देते हैं कि वहां अगर जाना पड़े या कुछ करना पड़े उनकी मदद के लिए, या वीडियो को वायरल, आप सोचते हो कि वीडियो ऐसे ही मतलब इतना हाईलाइट हो जाता है या ऐसे ही बड़ी न्यूज आपको दे देगी, इसको हाईलाइट करने के लिए सब्जी का पैसा चलता है यहाँ, ये हिंदुस्तान है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता यहाँ। अब रविंद्र फौजी अकेला क्या करे, वहां बोले, वहां जाए, लड़े झगड़े, सारा ही काम मैं करूंगा, तो फिर आप लोग इससे जुड़ने का फायदा क्या है? सिर्फ इसलिए कि जब आपकी बारी आएगी, हाँ सर आज हमारी बारी है, आज हमारी मदद कर दो, बाकी दिन चादर तान कर सो जाओ, आंखें खोल लो, जगो जवानों, जगो, वरना एक दिन पछताओगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, मैं माजी सैनिक सुरेश मुंडे, गांव दिंद्रुड, तहसील माजलगाव, जिल्हा बीड, महाराष्ट्र, सहपरिवार इच्छा मृत्यु मांगता हूँ। हमें मरने की इजाज़त मिले। महोदय, पॉलिटिक गांव गुंडों से हाथ मिलाकर ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, BDO, CO इन सब ने सरकारी ज़मीन के नकली झूठे कागज बना करके मुझे सरकारी जगह बेचकर फंसाया गया है। मैंने पिछले 3 सालों से 6 बार अमरण उपोषण भीख हड़ताल किया, सभी अधिकारियों से न्याय की भीख मांगी और सभी से न्याय की गुजारिश की, आमदार खासदार साहब के पैर पकड़े, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। पंतप्रधान, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के सभी कलेक्टर वगैरह को न्याय मांगा और उनको खत भेजा, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मैं माननीय न्यायालय माजलगांव से अपील में गया, लेकिन वहाँ खाली हाथ लौटना पड़ा। कारण पॉलिटिकल प्रेशर, इन बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सभी मिलकर के मेरे परिवार को मारना चाहते हैं और पुलिस उनकी मदद कर रही है। ये राजकारणी वाले गुंडे पुलिस को मेरे ऊपर झूठे केस बना करके, जैसे अट्रासिटी, मुसलमानों को गाली दिया करके वगैरह फंसा करके मुझे LCB में पूरे दिन तक कोई ना कोई गुनाह दाखिल करके मुझे फंसा रहे हैं। और अभी तो ऐसा पता चला है कि हमें जातीय दंगल में फंसा के जिंदा मारने की साजिश सामने आई है। सर, मेरा परिवार जिंदा लाश बन गया है। मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूँ। हर दिन मुझे जलील किया जा रहा है। मुझे न्याय मिलने की उम्मीद बाकी नहीं बची और इन गुंडों के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही आपसे मौत की इजाज़त मांगूं और हर दिन मरने से अच्छा एक ही बार परिवार के साथ मरूं, क्योंकि मेरा बच्चा अपंग है और मेरे बाद वो कैसा बचेगा, वो कैसा रहेगा, कैसा जिएगा। मैं आपसे मौत की भीख मांगता हूँ। जिन फौजी भाइयों ने मेरे परिवार को न्याय देने के लिए मदद की है और कर रहे हैं, मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। जो भी प्रहार संघटना वगैरह, जो संघटना मेरे पीछे खड़ी थी, मैं उनका साष्टांग दंडवत करता हूँ। मैं आपने लिए जिन्होंने मदद की है, जैसे त्रिदल संघटना, उनके अध्यक्ष, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। संदीप लगड़ा और उनके टीम ने मेरे लिए आके जो मदद की है, मैं उनका भी आभारी हूँ। राष्ट्रीय यूनियन और उनके सभी पदाधिकारी तथा फेडरेशन ग्रुप, राष्ट्रीय सैनिक संगठना, सभी का मैं आभारी हूँ। रात को मुझे रविंद्र भाई का फोन किसी ने भेजा है, शायद भगवान ही उनके रूप में मेरे मदद के लिए आए हो। हे ऊपर वाले, तू भगवान बन के रविंद्र के रूप में मेरे परिवार की मदद कर, नहीं तो तेरे ऊपर का विश्वास टूट जाएगा, कोई तुझे भगवान नहीं कहेगा। मेरे परिवार के ऊपर जो संकट आया है,
उस संकट में सब गांव उनके साथ मिला हुआ है, सब खासदार आमदार उनके साथ हैं। एक सैनिक और क्या करेगा, 3 साल से तड़पता हुआ मेरा परिवार आपसे मौत की गुजारिश करता है। जो मीडिया पत्रकार बंधु मेरे परिवार के लिए मदद के लिए आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी का आभारी हूँ और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत्यु देने के लिए मैं भीख मांगता हूँ। मेरे परिवार की हमेशा के लिए दहशत को ख़त्म करने की अपील करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे परिवार को मौत दी जाए और मुझे इस दुख से मुक्ति दी जाए। जय हिंद। आपका सैनिक जो आपसे न्याय की भीख मांगता है। जय हिंद सर।